बेनी वाले भैया, भैया महिला मेंबर स्पीकिंग प्लीज। राजस्थान के इलेक्शन है, हनुमान बेनी वाले भैया हमको सभी को पता है। नवनीत जी प्लीज स्टार्ट। यस, ऐसा नहीं है, इस पार्लियामेंट में बहुत सारी महिलाएं इस बिल के पहले भी अपने रिप्रेजेंटेटिव बन के आई हैं, सुषमा स्वराज जी हो, जयललिता जी हो, बंगाल की अब की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी हो और मायावती जी हो, ये सभी महिलाएं अपने अधिकार से लड़कर, किसी ने पक्ष ने आज सोनिया गांधी जी ने समर्थन दिया, उन्होंने कहा ये सपना हमारा था, हमने ये बिल लाया था। तो मुझे उनसे भी एक प्रश्न पूछना है कि 27 सालों में अगर ये आपकी इच्छा थी, आपका सपना था, तो 27 वर्षों में आप ये पूर्ण क्यों नहीं कर सके? मोदी जी की सरकार को सिर्फ 9 वर्ष हुए, 9 वर्ष में उन्होंने महिला के लिए, अधिकारों के लिए ये बिल भी लाया, पेश भी किया, और हम महिलाओं को, ये देश की महिलाओं को इतना कॉन्फिडेंट भी है कि आज वो बिल पास भी होगा और पूरी देश की जनता और महिला जितनी है वो ये आवाज सुन रही है कि मोदी जी ने सिर्फ मतदान का इस्तेमाल महिलाओं का नहीं किया, महिलाओं को अधिकार देने का काम ये पार्लियामेंट में किया। और बाबा साहेब अम्बेडकर ने जिन्होंने मतदान का अधिकार दिया, आज ये पार्लियामेंट मोदी जी के द्वारा हमें हमारा अधिकार, हमारी ताकत, हमारा विश्वास हमारे में फिर से एक बार जगाया। सर लास्ट, सम्मान तुम हो, स्वाभिमान तुम हो, अभिमान तुम हो, दिल अपना कभी ना दुखाना, उस विधाता का विधान तुम हो। और सर को दिल से मैं धन्यवाद करूंगी कि हम जैसी नॉर्मल फैमिली से बैकग्राउंड से आने वाली महिलाओं को आने वाले समय में बहुत मौका मिलेगा कि पार्लियामेंट में आके अपनी टैलेंट, अपनी जिद, अपनी लड़ाई दिखा सके।